ये अब कुणाल के रेस्टोरेंट में हम लोग चलते हैं। अंदर ही अंदर रास्ता है रेस्टोरेंट में जाने के लिए। टूवर्ड्स रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। एक स्पेशियस पार्किंग भी अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर। ये सामने गाड़ी खड़ी है, रेस्टोरेंट इन। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, अभी सुबह सुबह ओपन कर ही रहे हैं। 7:30 ओपन हो जाता है और 7 बजे आपको चाय मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से अगर आप आते हैं मेन रोड से, सिर्फ अगर आप रेस्टोरेंट में आना चाहें तो मैं बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये मेन रोड है ICICI बैंक के आगे से। आप जैसे यहाँ नीचे आएंगे होटल द कुणाल, आज फिर बारिश हो रही है, हिमाचल टूरिज्म रेस्टोरेंट। ओहो, रेनी डे, रात को भी बारिश होती रही है और इस समय फिर बारिश हो रही है बाहर। ब्रेड कटलेट का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, चाय आ चुकी है साथ में, अभी आधा ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी कर निकलें आगे, ताकि अपना डेस्टिनेशन पूरे कर सकें, सारे स्पॉट्स देख सकें। ब्रेकफास्ट हो गया, अब चेकआउट करते हैं, रूम में चलते हैं, अपना सामान रखवाते हैं, बिल पे करते हैं और चलते हैं घूमने के लिए धर्मशाला। ये आप व्यू देख रहे हैं टी गार्डन का। जब आप धर्मशाला आएंगे तो यहाँ आपको टी गार्डन देखने को मिलेगा। टी फैक्ट्री भी है यहाँ पर, ऑर्गेनिक प्लांटेशन, एक अच्छी लोकेशन है। नरघोटा रोड पर हूँ मैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर टी गार्डन। बहुत बढ़िया व्यू आता है, आकर फोटोज खिंचवाइए यहाँ पर, एंजॉय कीजिए। ये हमारा पहला डेस्टिनेशन और बने रहिए चैनल पर, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप कुणाल माता मंदिर आते हैं तो धर्मशाला से GPS में आप जरूर डाल दें, क्योंकि रास्ता बीच में यू टर्न, कई सारे घुमाव हैं। टी गार्डन फैक्ट्री अगर आप जाना चाहते हैं तो एक वो पॉइंट तो है ही, बहुत ही बढ़िया व्यू आपको मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे। सामने बोर्ड आ गया कुणाल माता मंदिर का, मंदिर कुणाल पथरी श्री दुर्गा माता मंदिर। यहाँ भी एक स्पेशियस पार्किंग है, आप नीचे आके यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दुर्गम माँ श्री कुणाल पथरी, धौलाधार पर्वत के आंचल में श्री कपालेश्वरी देवी, जो कुणाल पथरी के नाम से विख्यात है। शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवती सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी राजधानी में एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें अखिल देवों व ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। दक्ष प्रजापति ने शिव जी से कुछ वैमनस्य के कारण उन्हें महायज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया था। भगवान शिव जी की अर्धांग भगवती सती अपनी पति के निमंत्रण ना मिलने पर, शिव का विरोध करने पर भी हठपूर्वक अपने पिताजी के घर चली गई थी। महायज्ञ में अपने पति का भाग ना देखकर सती ने अपने पिता से कहा कि आपने मेरे पति को महायज्ञ का निमंत्रण ना देकर अच्छा नहीं किया। देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान थे, इस बात के लिए सती को अपने पिता के आगे अपमानित होना पड़ा। अपने पति की अवहेलना एवं स्वयं तिरस्कृत होने पर सती ने दक्ष वेदी अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शरीर से ज्वाला निकल जाने के बाद यज्ञ की अग्नि में योग अग्नि दग्ध हो गई, केवल स्थूल शरीर ही रह गया। इसके बाद शिव जी के गण वीरभद्र ने इस यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, फिर भी शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। चित स्वरूपिणी भगवती सती के दग्ध शरीर को कंधे पर उठाकर शिव जी हाय सती कहते हुए नाना देशों का भ्रमण करते रहे। यह स्थिति देखकर भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी सती जी के पार्थिव शरीर के अंगों को काटने लगे। इस प्रकार 52 विभिन्न स्थानों पर शरीर भगवान ने अलग अलग रूप एवं नाम नाम से निवास किया। इन स्थानों को ही शक्तिपीठ माना गया है। इस स्थान पर सती जी का कपाल गिरा हुआ है, इसलिए इस देवी जी का नाम कपालेश्वरी देवी प्रचलित हुआ। स्थानीय लोग क्षेत्रीय भाषा में इस देवी को कुणाल पथरी नाम से पुकारते हैं। आपके लिए एक यह डेस्टिनेशन पॉइंट धर्मशाला के अंदर, ये हम तीसरी जगह पहुंचे हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं वार मेमोरियल में,
और एक गार्डन भी बना हुआ है। थोड़ा सा घूमते हुए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये बीच में खूबसूरत सा पाथ बना हुआ है और प्लांटेशन की हुई है, अच्छा डेकोरेट कर रखा है वार मेमोरियल। वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ भी। नीचे पानी रिवर चल रही है और उसकी आवाज, पंछियों की चहचहाट। वार मेमोरियल के सराउंडिंग में भी आप चक्कर लगाएंगे, पाथ बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है, नेचर को आप एंजॉय करने वाले हैं। तो वार मेमोरियल देखना मिस नहीं करिएगा, काफी लंबा पाथ है, नेचर ट्रैक है। इधर ऊपर चलते हैं, हम लोग पनडुब्बी बनाकर दिखाई हुई है, इन लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन सुमित वेद 15 इंजीनियर्स। ये है दोस्तों वार मेमोरियल, सब शहीदों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। बहुत बढ़िया लिखा है कि आप जब घर जाएंगे तो आप ये सोचना, आप ये समझना कि इन्होंने हमें आज का कल दिया है। विकास चिल्ड्रंस पार्क, स्टेट वार मेमोरियल, धर्मशाला। ये एक ओपन स्टेडियम टाइप बना है, सीढ़ियाँ, कुछ कल्चरल प्रोग्राम या जो भी एक्टिविटी यहाँ होती होगी, और सामने ये स्टेज बनी है। फ्रेंड्स, ये वार म्यूजियम है यहाँ पर, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। 20 रुपीस एंट्री टिकट है, कैमरा अलाउड है, आप फोटोज अंदर खींच सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं वार म्यूजियम, हमारे शहीदों के स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पर। विक्ट्री क्रॉस, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। और आप ये सब सुन भी सकते हैं, ईयरफोन्स लगे हुए हैं, स्कैन कीजिए और उसको आप पूरा सुनिए, शहीदों को याद करने के लिए। सनी देखिए सुन रहा है। आ चुके हैं क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं गाड़ी में चलते हुए भी। स्टेडियम में एंट्री बंद है नेक्स्ट, और आप जब धर्मशाला आएंगे तो ये स्टेडियम वैसे यहाँ पर अंदर जाने देते हैं, क्योंकि मैच की वजह से यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है और अंदर आम पब्लिक के लिए एंट्री स्ट्रिक्टली बंद है। यहाँ से आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है पहाड़ों का, बाहर से घूम के मैं आपको स्टेडियम दिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, वो एक कहावत है ना, कुएं के पास भी आदमी प्यासा, तो एकदम पहुंच कर भी हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल इसके सामने ही। थोड़ा सा यहाँ मैं साइड पर आप आकर व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, और लगता है ऊपर रात को और बर्फ पड़ी है, क्योंकि यहाँ रात भर बारिश होती रही थी। इधर से आप व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू, हल्के बादलों में बर्फ के पहाड़ घिरे हुए हैं। ये हम लोग आ गए हैं नॉर्बमलिंगा मोनेस्ट्री, डेस्टिनेशन नंबर 5। बढ़ते हैं अंदर। और
यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लगेगी, पे एंट्रेंस फी। कितनी फीस है मैम? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग हरियाणा सोनीपत से। 50 रुपये एक आदमी का है, आप कितने लोग हैं? दो। 100 रुपीस। बहुत सुंदर और ग्रीन। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर और कुछ काश्तकारी का काम भी अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप काफ़ी कुछ यहाँ परचेज भी कर सकते हैं। घूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी पास्ता विद गार्लिक ब्रेड ₹200। यहाँ स्नैक्स वगैरह आप आए तो यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पास में जाके आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। गार्डन सिटिंग एरिया, बहुत सुंदर ये मोनेस्ट्री बोलना चाहिए या इंस्टीट्यूट बोलना चाहिए। बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है और मज़ा आता है यहाँ घूमने का। तो मैं जब भी धर्मशाला आता हूँ तो यहाँ ज़रूर आता हूँ। स्टे करना हो तो यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं, डार्लिंग हाउस। एक बार चल के क्वेरी करते हैं, बताता हूँ आपको यहाँ रेंट क्या है। हेलो मैम, यहाँ टैरिफ क्या है रूम्स का? यहाँ पे दो यहाँ से दो है, एक सुपीरियर है, एक स्वीट। सुपीरियर को टैक्स मिला के 3,920, स्वीट का 5,555। अगर एक्स्ट्रा आएगा तो 25% एक्स्ट्रा बैग चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, आपने टैरिफ जान लिए यहाँ के। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर आकर। यहाँ आपको ये डॉल म्यूजियम, और पूरा लिटरेचर सबके आगे लिखा हुआ है। और एक एक तो मैं पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पर कल्चर पूरा दिखाया गया है। हम लोग आ गए टेंपल में। शूज आपको यहाँ उतारने होंगे। तो
असल में यह एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ आप तकनीकी शिक्षा दी जाती है, जहाँ स्टूडेंट्स मन लगाकर यहाँ काम सीखते हैं और बहुत कलाकारी के साथ सामान बनाते हैं। बहुत ही सुंदर और मन को शांति देने वाला यहाँ मंदिर है। आप यहाँ कुछ समय जरूर बिताइए, मन शांत हो जाएगा। मोनेस्ट्री में घूमने के लिए आप अच्छा समय लेकर आइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है और रख रखाव भी बहुत ही अच्छा है। सबका व्यवहार भी आपको अच्छा लगने वाला है। सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और इंस्टीट्यूट की क्लासेस घूमने के लिए और वहाँ पर किस तरह से शिक्षा मिलती है, यह रोचक जानकारी के लिए आपको कुछ समय देना होगा और आप क्लासेस में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरह से मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर और एक डिजाइंस वो तैयार कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको, जब आप धर्मशाला आए तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। ये हम लोग आ गए हैं श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम। चामुंडा देवी गेट तृतीय बटालियन डिडोगरा रेजिमेंट द्वारा बनाया हुआ और यहाँ पर भी सबके नाम लिखे हुए हैं वार हीरोज के। ये हम लोग आ गए हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर। यहाँ से मेन एंट्रेंस गाड़ी हम मेन रोड की पार्किंग पर ही खड़ी कर आए हैं और यहाँ भी वैसे पार्किंग है, बिल्कुल मंदिर के पास ही आप नीचे तक गाड़ी ला सकते हैं। श्री चामुंडा देवी मंदिर, जिसे चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, देवी दुर्गा के एक रूप श्री चामुंडा देवी को समर्पित मंदिर है, जो उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला तहसील में पालमपुर शहर से 19 किलोमीटर दूर है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और पूरे भारत में लोकप्रिय है। मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने धर्मशाला में सबसे पहले देखा टी गार्डन, वहाँ से हम गए कुणाल माता मंदिर, फिर हम गए वार मेमोरियल, वहाँ से पास में ही स्टेडियम पहुँचे, स्टेडियम से हम आए मोनेस्ट्री और अंत में हम चामुंडा देवी मंदिर। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक घूमकर हम चामुंडा देवी मंदिर से सोनीपत दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ गए और हमें वापस धर्मशाला नहीं आना पड़ा। दोस्तों, हमने इस समय को पूरा एंजॉय किया और बहुत आराम से समय देते हुए हमने सब चीजें देखी। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इस सीरीज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सीरीज के साथ। नई जगह चलेंगे, एंजॉय करेंगे, जानेंगे उन जगहों को। दोस्तों, बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ।